हेलो दोस्तों, फास्ट फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको आईपीएल के इतिहास के बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में बताने वाला हूँ। आईपीएल सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला क्रिकेट का लीग है। अब तक आईपीएल के 15 सीजन हो चुके हैं और आईपीएल में बहुत से दिग्गज भारतीय प्लेयर खेले हैं और साथ ही कई बड़े बड़े विदेशी प्लेयर्स ने भी आईपीएल में खेलकर आईपीएल की लोकप्रियता को बढ़ाया है। अगर बात की जाए आईपीएल हिस्ट्री के बेस्ट ओपनर्स की तो रोहित शर्मा और डेविड वार्नर सबसे बेस्ट हैं। डेविड वार्नर ने 162 मैचेस खेलते हुए 5,881 रन बनाए हैं और वर्तमान में ये दिल्ली के कप्तान भी हैं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं और साथ ही में ये बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं। इनकी कैप्टनसी में 5 बार मुंबई इंडियन ने ट्रॉफी जीता है। रोहित शर्मा ने 231 मैचेस में 6,014 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने अब तक आईपीएल में कुल 247 सिक्सेस लगाए हैं। विराट कोहली नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोहली ने अब तक आईपीएल में 226 मैचेस खेले हैं और सबसे ज्यादा 6,769 रन बनाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज विराट कोहली को ही माना जाता है, इसलिए नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए विराट कोहली बेस्ट हैं। नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए मिस्टर आईपीएल यानी सुरेश रैना सबसे बेस्ट हैं। सुरेश रैना ने आईपीएल में कुल 205 मैचेस खेले हैं और 5,528 रन बनाए हैं। इन्होंने चेन्नई के लिए कई अहम पारियां खेली हैं और कई मैचेस अकेले अपने दम पर जिताए हैं। सुरेश रैना ने अपने आईपीएल करियर में 203 सिक्सेस लगाए हैं। सुरेश रैना आईपीएल के इतिहास के पहले बैट्समैन थे जिन्होंने 5,000 रन के आंकड़े को क्रॉस किया था। 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स। इन्होंने 184 मैचेस खेलते हुए कुल 5,162 रन बनाए हैं। एबी डिविलियर्स जिस तेजी के साथ रन बनाने की एबिलिटी रखते हैं वैसी एबिलिटी किसी और बैट्समैन के अंदर नहीं है। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए एबी डिविलियर्स कोई भी मैच पलट सकते हैं। अगर बात की जाए कैप्टन और विकेट कीपर की तो एमएस धोनी सबसे आगे हैं। मैच फिनिश करने की जो क्षमता एमएसडी रखते हैं वो और किसी भी बैट्समैन में नहीं है। एमएस धोनी 239 मैचेस में कुल 5,037 रन बना चुके हैं। धोनी सिर्फ एक महान बल्लेबाजी नहीं है बल्कि एक एक्सेप्शनल विकेट कीपर है। दबाव में इनकी लीडरशिप स्किल्स और कामनेस इन्हें मध्य क्रम में खेलने के लिए एकदम फिट बनाती है। अब बात की जाए स्पिन जोड़ी की तो हरभजन सिंह और सुनील नारायण की जोड़ी सामने वाली टीम के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकती है। ये दोनों गेंदबाज अपनी विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। स्पिन डुओ में इनसे ज्यादा जबरदस्त और कोई नहीं हो सकता है। हरभजन सिंह ने आईपीएल में 163 मैचेस खेले हैं और 150 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं बात की जाए सुनील नारायण की तो इन्होंने 152 मैचेस में कुल 162 विकेट अपने नाम किए हैं। फास्ट बॉलिंग अटैक की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, लसित मलिंगा और जसप्रीत बुमराह सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है। भुवनेश्वर कुमार, लसित मलिंगा और जसप्रीत बुमराह सिर्फ आईपीएल में ही नहीं बल्कि अपनी कंट्री के लिए भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार 151 आईपीएल मैचेस में खेलते हुए कुल 158 विकेट अपने नाम करे हैं और वहीं बात की जाए लसित मलिंगा की तो इन्होंने 122 मैचेस में 170 विकेट गिराए हैं। डेथ और यॉर्कर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह ने 120 आईपीएल मैचेस में खेलते हुए 145 विकेट लिए हैं। ये आईपीएल हिस्ट्री के प्लेइंग 11 का डेडली कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जो दुनिया भर की किसी भी टीम को आसानी से हरा सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है उसे भी क्लिक करके देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों।